पड़ती है, सब ठिठुर रहे इस करके ठंड से, बहुत ठंड हो रही है पता नहीं सब। कहाँ कहाँ से आ रहे, कोई गोरखपुर से आ रहा है, कोई लखनऊ से आ रहा, कोई बरेली से आ रहा है। तो दोस्तों फाइनली मुझे ये देखिए ट्रिप लग गई है, बस अब टाइम निकल जाए और देखो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग बोलो मानो। गुड मॉर्निंग बोलो रावत जी की। गुड मॉर्निंग, तो सुबह कितने बजे हो गई थी? मेरी हो गई थी 5 बजे। अपना टास्क शुरू हो चुका है लक्की का, मानो के बाल खींचने का। और मानो खिंचवाती, मानो मना क्या कर बेटा। नो लक्की नो, और को मुझे थप्पू 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 थप्पू। हाँ तो रावत जी सुबह चले उठ गए थे 5 बजे, 5:30 बजे करीब चले गए, और क्योंकि काउंटर तो 8 बजे खुलता है लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं तो वहाँ पे नंबर लगाने के लिए पहले ही खड़े हो जाते हैं। 8 बजे तक जब तक काउंटर खुलता तब तक 50-60 लोग हो जाते हैं, तो मतलब यही है। तो 8 बजे में नंबर लगाने के चक्कर में, और मेरा फर्स्ट नंबर लगा क्योंकि आज मुझे OPD में दिखाना पड़ेगा। अब देखते हैं फिर डॉक्टर आज एडमिट करेगा कि बोलो ना मानो पापा मैं तो थक गई। चलो दोस्तों, तो मैं उठ गया था 5 बजे। अरे भगवान, ये डिटेल तो मैंने बताई दी। वहाँ गया मैं तो वहाँ देखा सबसे पहले मैं ही गया अकाउंट सबसे पहले मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे जैसे मैं गया तो देखो मैंने 2-4 लोग सोए थे, वो उनको पता नहीं था कि मतलब कोई आ गया। फिर मैं सबसे गया, सबसे पहले मैंने झूला वहाँ पर रख दिया और खड़ा हो गया वहाँ पे। धीरे धीरे फिर वहीं पर बैठ गया। बेचारे वो नंबर लगाने के चक्कर में वहीं सोए थे, बेचारे दूर के होंगे ना। फिर मेरे पीछे 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 सब बढ़ते के सब ठिठुर रहे इस करके ठंड, बहुत ठंड हो रही है सब। नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे, कोई गोरखपुर से आ रहा, कोई लखनऊ से आ रहा, कोई बरेली से आ रहा है, कोई प्रयागराज से आ रहा, कोई कहीं से, बहुत भीड़ थी। तो आखिर करते करते फिर मैं वहाँ पर गया जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ था, वहाँ पर मेरा नंबर लग गया पहला। वहाँ पर आया था 8:15 बजे, नंबर आ गया। फिर मैं घर आ गया, अब इनको ले जाता हूँ 9:30 बजे, डॉक्टर आ जाएगा, फिर इनको दिखाएंगे जाएंगे। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रणाम पहला नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती अच्छे से होंगे। स्लाइड की ऊपर ली थी, यहाँ से धुंधला आ रहा था, तो अब मैं रेडी हो गई हूँ। आज फिलहाल OPD में दिखाएंगे, फिर देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। भगवान करे ये वाली इंजेक्शन की डोज मेरी लास्ट डोज हो। पक गए अब तो ये बार बार आके हर 14-15 या महीने भर में हॉस्पिटल आके, तो ठंड में देखो कितनी परेशानी हो रही है बच्चों को भी। रावत जी भी बीमार हैं ना, वो तो डॉक्टर को दिखा के लाए थे, मेडिसिन वगैरह लाए थे, बट उनकी ना छाती जकड़ गई है। मैंने इनको 3 दिन से नहाने नहीं दिया, आप यकीन नहीं करोगे मैं नहाने नहीं दे रही हूँ। आप बहुत से लोग कहेंगे नहीं नहाने दो, बुखार उतरेगा, बुखार नहीं, इनको मतलब छाती जकड़ी हुई है ठंड से। और मायरा का भी अभी मुँह हाथ धुला रहे हैं, फिर राहुल तो खैर इस चीज़ में उन्होंने तो PhD कर रखी ना नहाने में, तो उनका तो कोई सिरदर्द है नहीं। और तो मैंने लक्की को ड्राई बाथ भी नहीं दे रही, ड्राई बाथ देने के बाद ही कांपता, बीमार पड़ जाएगा बच्चा। तो रावत जी किस किस को दिखाएंगे, ठीक है कोई नहीं। तो बस अब हम रेडी हो जाते हैं, हमने मैगी बना रहे हैं ब्रेकफास्ट में, राहुल बना रहा है मैगी। राहुल बहुत अच्छी मैगी बनाता है, इसलिए हम राहुल से ही मैगी बनवाते हैं। सच में बहुत अच्छी मैगी बनाता है वो। पहले तो मैं मैगी खाती थी मैं नहीं, खाती भी नहीं थी, मतलब जब से राहुल बनाने लगे मैं खा लेती हूँ। और ना मुझसे अच्छी बनती है ना रावत जी से अच्छी बनती है। तो बस अब फटाफट रेडी हो जाते हैं, सबने मुँह हाथ धो लिया, कपड़े वपड़े रावत जी तो रेडी है, मानू को पहनाने मेरे को, बस चलते हैं। ये देखो राहुल ने बना ली है मैगी, मानू खाने भी। तो अभी हमारा नंबर नहीं आया और हम लोग वेटिंग में हैं रावत जी में। हाँ तो मैं ये कहती कि बच्चों को हमने वहीं छोड़ दिया कार में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ पे, और राहुल और मानू और लक्कू दोनों वहीं पे हैं। हमने कहा वहाँ क्या करोगे, बैठने के लिए भी जगह नहीं होती, और मे भी हो सकता है यहाँ पे डॉग अलाउ ना हो, तो इसलिए यहाँ पे भी नहीं लेकर आए हम लोग। बहुत ठंडा है बाहर, तो बहुत ज़्यादा। चलिए अब सीधे डॉक्टर से मिलने के बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी। दोस्तों मैंने दिखा लिया है और फर्स्ट नंबर मेरा था, तुरंत 15 मिनट के विदिन 15 मिनट मतलब डॉक्टर आ गए और उन्होंने देख लिया। तो मैंने सोचा पूछा उनसे कि कितनी डोज बची है, तो उन्होंने कहा डोज तो तुम्हारी लाइफ टाइम चलेगी, डोज का कोई एंड नहीं है, और अभी एडमिट कर लेंगे। थोड़ी देर में यहाँ कार में बैठ गई, बाहर बहुत ठंडा हो रहा है, जब तक फॉर्मेलिटीज करने गए हैं रावत जी, और फिर कह रहे थे डिस्चार्ज कर देंगे, शाम को ही डिस्चार्ज कर देंगे। ये कल हम वापस चले जाएंगे, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है लखनऊ में घूमने का। तो देखो आज राहुल ने स्वेटर पहन ली, सुबह तो टाइम नहीं मिला दिखाने का। राहुल दिखाओ अपनी शक्ल। ओह माय गॉड, अरे ओह माय गॉड, अरे ऐसे सामने से दिखाओ नक्शेबाजी तो। ओफो, अरे कैमरा तो साफ ही नहीं है, पता नहीं। अरे भगवान है गाइस,
कैसा लग रहा हूँ मैं, ये देखो स्वेटर बहुत मस्त लग रही है, पता नहीं स्वेटर, लेकिन इनके स्वेटर दिख रहे, लेकिन इनके शक्ल नहीं दिख रहा। 36 का आंकड़ा राहुल और मानू का देख लो अगर आपको देखना है वीडियो में। और ये देखो मेरा भुंटू सोया है सोने दे मानू, डिस्टर्ब मत कर, अरे भुंटू सोया है, सुबह 5 बजे से खेलने लग जाता है चल अभी हमारी तरह सेट हो गया, जब हम सोए तब ये सोए, लक्का कितना सोता है भैया, थोड़ा तो कुत्ते वाली हरकतें कर, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, जरा तड़प कार से बाहर जाने के लिए, बाहर कूदने के लिए ओ, 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 इतना ज्यादा कंफर्ट, ओह माय गॉड, ये भैया कल कपड़े लेकर इतने बड़े आगे, लास्ट में फिर मानू का फटा पैजामा ही पहना दिया बेचारे को रावत जी का कॉल आ गया है, फॉर्मेलिटीज हो गई है पूरी, अब वो बुला रहे हैं मुझे वार्ड में जहाँ मुझे एडमिट होना है, मौसम इतना गंदा है, हम तो नहीं उतरे कार से, मानू बोली कि चलो गार्डन में चलते हैं करके, और कारपेट लाए थे यहाँ गार्डन में बैठने के लिए, कारपेट घर भूल गया है, देख लो कैमरे में क्यों नहीं आ रही है तो आ गए हम लोग अपने वार्ड में, यार मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है अंदर जाने के नाम से, सबसे ज्यादा टेंशन मुझे यही होती है, मेरी नब्ज नहीं मिलती ना, मुझे कुछ और मुझे बता, मुझे 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 डर लग रहा है, काटो 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 काटो, नहीं 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 ना, मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि ना वो नब्ज नहीं मिलती, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि मुझे शाम को डिस्चार्ज मिल जाएगा, मुझे रात को यहाँ सोना नहीं पड़ेगा सच में। गोपू को डाल ले, गोपू को देख ले, अब तुम लोग घूमो, हम लोग अंदर होकर आते हैं, चलो सुसु नहीं करी इसने, लक्कू बाय, गाड़ी खुली है, गाड़ी खुली है राहुल, थोड़ी देर में गाड़ी में बैठ। तो दोस्तों मेरे को एडमिट कर लिया है, अभी कुछ फॉर्मेलिटीज़ रह गई है टेस्ट वेस्ट की, वो फॉर्मेलिटीज़ की पर्ची बनानी है, वो बनाने गए हैं रावत जी, और बस अब जल्दी से फॉर्मेलिटीज़ हो जाएं, एक बार ड्रिप घुस जाए फिर सारा डर ख़त्म, बस सारा डर मुझे ड्रिप घुसने का ही होता है, फिर वो एकदम से लगती नहीं है ना, और यहाँ पे आपको पता है वीडियो अलाउ नहीं होती, तो मैं चारों तरफ का माहौल नहीं दिखा सकती सिवाय अपने। तो दोस्तों फाइनली मुझे ये देखिए ड्रिप लग गई है, बस अब टाइम निकल जाए, और ब्लड टेस्ट होने के लिए गया, ब्लड ले लिया है मेरा, उसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही मेरा ट्रीटमेंट शुरू होगा, और उन्होंने लास्ट टाइम शायद रावत जी से कहा था कि ये वाले नेक्स्ट टाइम जब एडमिट होने के लिए आना तो ये सब कर लेना, मतलब ये सारे टेस्ट कर लेना, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि वो आधी बात सुनते ही नहीं है, तो अभी बड़ी डांट लगी उनकी, तो ये बात मैं ध्यान रखूँगी नेक्स्ट टाइम, मैं पहले एडमिट होने से पहले सारी टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आऊँगी। आए जल्दी जल्दी ये मेरा इंजेक्शन देकर गए, वेट में दिखाती हूँ आपको, ऐसे मतलब उल्टा दिख रहा होगा, 3 इंजेक्शन, ये मेरी 3 डोज हैं जो कि मुझे लगेंगी आज ही, और हर 2 महीने में लगती है, स्टार्टिंग में मुझे 15 दिन में लगती थी, और फिर 1 महीने में, अब 2 महीने मुझे ये इंजेक्शन लगते हैं, आप देख लीजिए कौन से नहीं है। दोस्तों यही वो इंजेक्शन है जो मेरे को लगते हैं हर महीने, और मतलब मुझे ना कुछ टेस्ट करवाने थे और रावत जी ने करवाए नहीं, वो ध्यान से इस बात ही नहीं सुनते हैं, वो तो इतनी डांट लगी ना, मैं क्या ही बताऊँ, और क्या कहते हैं बस अब निपट जाए, क्योंकि वो मेरे को ना वो लेने गए हैं ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट लेने गए हैं, वो क्या बोली, वो ब्लड सैंपल लेकर गए हैं, फिर तुरंत जैसे उसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही मुझे मतलब दिया जाएगा ये इंजेक्शन, तो वो वही जब सबमिट करने गए हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे, अब लंच के बाद ही मेरे ख्याल से ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, खैर कोई नहीं, इंजेक्शन तो निपट ही जाता है, बस शाम तक भी डिस्चार्ज होना हो 7-8 बजे तक, तो कल हम आई होप कि कल निकल जाएंगे हम लोग, सच में कल ही निकल जाएंगे हम लोग घर की तरफ को ना, अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ ठंडा भी बहुत है दोस्तों, गेस्ट क्वार्टर बिल्कुल कॉर्नर में मिला है हम लोगों को, तो वहाँ पर ना बहुत ठंडा है सच में, कम्फर्टेबल भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये है कि चलो अगर आप होटल में रुकते हो तो ज़्यादा खर्चा होता है, और गेस्ट क्वार्टर मिल जा रहा है पूरा पस्तल इतना बड़ा, और क्या चाहिए बस, लेकिन यह कि आपका घर जैसा कहाँ, जब आपको
मिली अपॉर्चुनिटी कि आप घर चले जाओ तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो राहुल आ गया मुझसे मिलने। कैसी तबीयत है अभी तुम्हारी? जी यार मैं सोचा मैं देख आता हूँ हॉस्पिटल में। हाँ ये कर लो पहले। कैसी तबीयत है दोस्तों? आधा घंटा पहले मैं इसके पास थी। हाँ चलो ठीक है, अभी इंजेक्शन लगने का टाइम होगा, इंजेक्शन लगना शुरू हो जाएगा तो शायद शाम तक फ्री हो जाए। डांट लग गई। डांट किस बात? कुछ टेस्ट करवाने थे। हाँ रावत जी ने करवाए नहीं। अरे वो एडमिट होने से पहले हर बार करवाने होते हैं। अच्छा वो लिखा था उसमें? हाँ वो बोले अगर पहले करवा लेते तो हेडेक नहीं होता। अभी ब्लड निकाला 3 शीशी भर के मेरी। और बस कहीं हस्बैंड लेकर गए होंगे क्या? ये केसिट होती है। हाँ, ये तो ना है यही है देखो। हाँ, कह रहे बेड देख के मन कर रहा सो जाऊँ, ठंडा और है। मैंने इससे कह रही घर जाओ, जा भी नहीं रहे हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? दीपा का खाना है ये, दिखा दिया दीपा का खाना। हर 2 महीने में खाती दीपा। देखो लोग बोलते हैं लखनऊ जाते इतना दूर जाते खर्चा करके, ये देखे ये 1 लाख रुपए है। 1 लाख। तुम्हारा फेस हमेशा धुंधला आता है, पीछे से जब भी लाइट आती तो खड़े ही ऐसे होते हैं लाइट के बारे में। तो बस दोस्तों हमें खुशी हो रही है कि हम शाम को डिस्चार्ज हो जाएंगे। क्यों? हम यही चाहते थे ना मानो पापा, हम यही तो चाहते थे।